पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि गतपुरी टोल प्लाजा से जल्द ही लोगों को छुटकारा मिल सकता है। टोल प्लाजा को लेकर गठित कमिश्नर ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कमिश्नर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की गई 144 पेज की रिपोर्ट में गतपुरी टोल प्लाजा को अवैध रूप से चलाना घोषित किया गया है। कमिश्नर की रिपोर्ट में साफ दर्शाया गया है कि 6 लेन को बिना पूरा किए ही जबरदस्ती टोल प्लाजा शुरू किया गया है, जो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। ये बातें दलाल ने शहर के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में भी कही। जब एक हाईकोर्ट द्वारा गठित कमीशन ये मान रहा है कि इन्होंने हेराफेरी की है, धांधली की है, तो सरकार जो कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो कहां गई इनकी वो ईमानदारी? अब क्यों नहीं करते कार्रवाई? विपक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमे बनाना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी की जिस तरह से इन्होंने जो तमाशे बना रखे हैं, आज ये कंपनी ने हमारे इलाके के ऊपर डाका डाला, कहां गए भाजपा के ये जो यहाँ के रखवाले बनते थे? ये जनप्रतिनिधियों का काम है, तो अगर इनके अंदर गैरत है तो अपने पदों से इस्तीफा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये टोल यहां पर नहीं रहेगा, लेकिन अदालत ये फैसला करेगी। उससे पहले अब वक्त आ गया है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये काम सरकार को करना चाहिए, इस टोल को यहां से हटा देना चाहिए। और केवल टोल को ही नहीं, सांसद और विधायकों के और इस कंपनी के मालिकों के खिलाफ, एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें धोखाधड़ी का। और जो इन्होंने कमियां छोड़ी हैं, जब तक वो कमियां पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा ये कहना है कि न करमन के ऊपर टोल होना चाहिए, न गदपुरी के ऊपर टोल होना चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने हमने ये एक सच्चाई, बड़ी कटु सच्चाई, जो हम भी कोई मानता नहीं था कि भाई हाई कोर्ट से हमें कोई राहत मिलेगी। और ये तो शुक्र है कि मेरा अपना बेटा दीपकरण दलाल, उसने ये लड़ाई लड़ी, वरना तो लाखों रुपए वकील मांगते हैं। कौन जनमानस वहां एक पैसे इकट्ठे करके वकीलों की फीस देगा? और हाई कोर्ट के ऊपर जितना इन्होंने दबाव बनाया बड़े से बड़े वकीलों को खड़ा करने का, उसको नजरअंदाज करके हाई कोर्ट ने जो पहली दफा इस देश के अंदर को कमीशन मुकर्रर हुआ, वो हमारे आपके इस मामले में कमीशन मुकर्रर हुआ, उस कमीशन के मेंबरों को डराने धमकाने की कई दफा यहां कोशिश की गई। जब वो बेचारे आते थे और यहाँ अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे, आप लोग भी उनसे मिलते थे, किस तरीके से बेचारे ढाबों पर बैठ करके और रूखी सूखी रोटी खाया करते थे, और ये उनको डराने धमकाने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। और ये हमारे इलाके के हक में ये फैसला, जो आने वाली 12 जुलाई हाई कोर्ट की डेट लगी हुई है, और इस रिपोर्ट के ऊपर जो इन्होंने अपना पक्ष रखना है, हमारे वकील हमारा जो बताएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में ये जो टोल है ये यहाँ से हट जाएगा। और इस कमीशन की रिपोर्ट ने हमारे इलाके के दुख को जो पहचान की है, और इस इलाके की जो उन्होंने एक रक्षा करने का काम किया है, जो काम भाजपा के नेताओं का था, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायकों का था, लेकिन इतने कमजोर, इतने डरपोक विधायक और सांसद इस इलाके में शायद ही कभी बनेंगे, जिन्हें आज ये जनता हमारी झेल रही है।